हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रियंका तावा शो। आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन के स्पेशल केजुन पोटैटोस। रेस्टोरेंट स्टाइल में केजुन पोटैटोस बनाएंगे जो डिलीशियस है और बनाने में एकदम सिंपल। अगर आपने ये नहीं खाया है तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। क्रिस्पी बेबी पोटैटोस होते हैं, उसके ऊपर एक क्रीमी केजुन सॉस डाली जाती है जो कि मेयोनीज से बनती है। तो चलिए आज घर पे बनाते हैं केजुन पोटैटोस इन बारबेक्यू नेशन स्टाइल। सबसे पहले हम लेंगे बेबी पोटैटोस। आलू को अच्छे से वॉश कर लीजिए क्योंकि हम इसकी स्किन को नहीं निकालेंगे बल्कि इसके साथ ही कुक करेंगे। आलू को प्रेशर कुकर में डालें, देन पानी और नमक। अब आलू को मीडियम फ्लेम पे 3 whistles आने तक कुक करेंगे। गैस ऑफ करके प्रेशर रिलीज होने दें, उसके बाद ही कुकर को खोलना है। अगर आपके पास बेबी पोटैटोस नहीं है तो आप बड़े आलू लेकर उसे क्वार्टर्स में काट कर यूज कर सकते हैं। आलू को ठंडा होने दें। मीनवाइल आलू को कोट करने के लिए एक स्लरी बनाते हैं। कॉर्नफ्लावर लेंगे, थोड़ा सा मैदा, सॉल्ट, गिव इट अ मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक लंप फ्री मिक्सचर बनाना है। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो और पानी डालकर एक पतली स्लरी बनानी है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। कीप दिस असाइड। अब केजुन सॉस बनाएंगे जिसके लिए मैंने लिया है होममेड एगलेस मेयोनीज। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ऐड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, पेपरिका, सॉल्ट टू टेस्ट, कुटी काली मिर्च एंड चिली सॉस। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। मिक्स इट नाइसली। ये मिक्स हो गया है बट अभी सॉस थिक है, तो अब हम डालेंगे मिल्क और फिर से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ क्रीमी सी सॉस बन जाए। ये केजुन सॉस आप बर्गर्स, सैंडविचेस या रैप्स में भी यूज कर सकते हैं। केजुन सॉस रेडी है। आलू फ्राई करने के पहले ही आप ये केजुन सॉस बनाकर तैयार रखें क्योंकि ये गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। जैसे ही आलू फ्राई हो उसके ऊपर ये क्रीमी केजुन सॉस डाल दें एंड सर्व इट। और आलू भी ठंडे हो गए हैं। अब एक आलू लें और एक बोल की हेल्प से आलू को स्मैश करना है। बोल को प्रेस करें ताकि आलू स्मैश हो जाए। ये देखिए इस तरह आलू को जेंटली प्रेस करना है। सिमिलरली सारे आलू रेडी कर लें। अब आलू को कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप करें और अच्छी तरह कोट करें। नेक्स्ट आलू को मीडियम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। चाहो तो बिना कोटिंग के भी इसे बना सकते हैं, पर ऐसा करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं एंड बारबेक्यू नेशन में ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आलू को स्पून की हेल्प से पलट दें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें।
ये एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। आलू ऑलरेडी कुक्ड है तो बस हल्का गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है। लेट्स टेक इट आउट इन अ पेपर टॉवल। चलिए अब इसे सर्व करना बताती हूँ। क्रिस्पी फ्राइड पोटैटोस को सर्विंग प्लेट में रखें एंड देन लें केजुन सॉस और एक एक आलू के ऊपर खूब सारी सॉस डालें। केजुन सॉस इस डिश की जान है। इस सॉस से ही ये केजुन पोटैटोस एकदम क्रीमी एंड डिलीशियस लगते हैं। पोटैटोस को सॉस से कोट कर दें। ऊपर से बारीक कटे प्याज, फ्रेश कोरिएंडर, चिली फ्लेक्स एंड ओरिगेनो डालकर गार्निश करें। एकदम क्रीमी, क्रिस्पी एंड चटपटे केजुन पोटैटोस बने हैं, वो भी घर पे बने हुए। क्रिस्पी पोटैटोस विद क्रीमी स्पाइसी केजुन सॉस Tastes so good. I think restaurant का खाना देखने में complex और बनाने में बहुत ही easy and simple होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो मुझे comment करके जरूर बताना। Give this video a thumbs up if you enjoyed watching it. Subscribe to Akshay Foods. See you again with a new recipe. Until then, bye bye.